Dear students, today I start to explain your second part of first unit, electrical potential energy. तो potential energy की start करने से पहले कुछ बातें मैंने explain किया हुआ है, उसको ध्यान देंगे आप, और उसके बाद electro potential energy की definition और उसका explanation आज मैंने बताया है. तो इतना portion आज आप note करेंगे, okay? Now I start electro potential energy. The electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy means your second part of the first unit. First I want to explain you something. मतलब ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें बार बार ये शब्द आएगा. एक वर्ड आएगा आपका, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स. ये जो वर्ड है कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, दिस वर्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स. दिस विल बिकम अगेन एंड अगेन. तो व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स? हालांकि ये जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आप इसको कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो ये दोनों चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं. तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो आता है कंजर्व रहता है. कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स कंजर्व फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स दैट विल बी नॉट कंजर्व. अब इसके कुछ आपने पढ़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड स्प्रिंग फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. तो यहां पर जो आपका नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स. अब इसमें कुछ चीज आएगी, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा. तो पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स होता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा हुआ है, मान लीजिए एच हाइट पर रखा हुआ है. तो एच हाइट पर रखने का क्या मतलब है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट द हाइट, एनी हाइट, देयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मींस इट हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ. अगर यहां पर रखा हुआ है तो इट हैव बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम क्योंकि रखा हुआ है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो है. अगर हम इसको यहां से छोड़ देते हैं नीचे की तरफ, तो होता क्या है, व्हेन इट गेन काइनेटिक एनर्जी, गिर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, दैट विल बी इंक्रीज, बट लॉस द पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. ये ध्यान रखिएगा. According to the conservation law of the principle of energy principle, potential energy, sum of the potential energy and kinetic energy is constant. अगर potential energy और kinetic energy constant रहती है किसी भी object में, तो that is the conservative force. अब यही बात लागू होती है आपकी electrostatic force के ऊपर भी. For electrostatic potential, electrostatic potential के बारे में देखते हैं. Suppose a point charge kept at plus Q, that is the plus Q point charge है. It have electric field. इसकी क्या होगी? एक अपनी electric field होगी. All around that, इसके चारों तरफ. ओके, जहां पर ऑल अराउंड दैट प्लेस जो रखा हुआ है, इट टेस्ट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट आर. हमने माना एक
डिस्चार्ज है स्मॉल क्यू, दैट इज स्मॉल क्यू, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, आना है, इसको हमने यहां पर रखा हुआ है, पहले आर पे रखा हुआ है, यहाँ आर पर रखा हुआ है पहले ऑलरेडी, अब इसको हम इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आर से पी की तरफ लेके आ रहे हैं। टू मूव आर टू पी वी नीड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को एफ ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल से हमने डिनोट किया हुआ है, अपने मन से ई एक्स टी लगा दिया इसके ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये स्मॉल क्यू के ऊपर यहाँ पर आर पर है, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा क्यू से पी से आर के तरफ। तो यही मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि ड्यू टू द प्लस क्यू, प्लस स्मॉल क्यू फील्स द रिपल्सिव फोर्स इन द डायरेक्शन पी टू आर, दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ई, ये एफ ई क्या है, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई, मतलब इसके ऊपर जब हम प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरफ लगा रहे हैं, और ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो उल्टा डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमने एफ ई लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्सटर्नल प्लस एफ ई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट नो नेट एक्सीलरेशन, देयर इज नो नेट एक्सीलरेशन बिकॉज वी ब्रिंग प्लस क्यू वेरी स्लोली, अगर तेजी से लेके आएंगे यहाँ पर तो वह एक्सीलरेटिव फोर्स हो जाएगा, लेकिन इसको जब हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं तो दैट इज देयर इज नो एक्सीलरेशन, उसमें क्या नहीं रहेगा, एक्सीलरेशन नहीं रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं देयर इज नो नेट एक्सीलरेशन बिकॉज वी ब्रिंग प्लस क्यू वेरी स्लोली। Work done by this external force is equal to minus work done by the electrical force. ये show करता है कि जो work done है, क्या work done है, जो R से P तक लाने में जो work done है, जो external force है, that will be negative to Fe. अब यहाँ से यहाँ तक ला रहे हम इधर, इसके लिए total के लिए हम क्या कर देंगे, इसको integrate कर देंगे। तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, आर आर टू पी, ओके, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए पोटेंशियल, इज ए पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज यू, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज एट काइनेटिक एनर्जी फॉर प्लस क्यू टू मूव R to P, मतलब कहने का क्या है, यही पोटेंशियल एनर्जी जो होगी यूटिलाइज होगी इस Q को इधर लेकर के आने के लिए, तो क्या कह रहे हैं हम, फॉर प्लस Q टू मूव R to P, R से P तक के लिए। अगर मान लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी एट R कैपिटल U R से हमने डिनोट किया है एंड पोटेंशियल एनर्जी एट P U P से डिनोट किया है, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर UP पोटेंशियल एनर्जी एट P इज ग्रेटर देन UR, क्यों, कि ये P पॉइंट जो है वो Q पॉइंट से क्लोजर है, इसलिए ये ज्यादा होगा, सो वर्क डन ऑन द चार्ज इंक्रीजेज, क्या होगा, वर्क डन जो है चार्ज, जब वर्क डन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए द पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल बी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, दैट इज द वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पी टू आर, दैट विल बी रिटन हियर, वर्क डन डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द चार्ज नॉट ऑन द पाथ हैज टेकन, जो आपका वर्क डन है दैट विल बी
ये जो आपका वर्क डन है, जो जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, दैट विल बी नॉट डिपेंड, ये क्रॉस लगाया हुआ है कि चाहे ऐसे, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि वर्क डन डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज, नॉट ऑन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो इसके लिए थोड़ा सा रिजल्ट निकाला है हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब हम देखते हैं यह पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो कि हम लेके आ रहे हैं प्लस चार्ज को पी टू आर के लिए, वी हैव चूजिंग ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। एक ऐसा पॉइंट हम चूज करते हैं जहां पर के पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और यह कहां पर होगी, दैट विल बी एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होती है। तो हम क्या करेंगे, आर इज टेकन, मान लिया हमने आर को कहां लिया, पॉजिटिव चार्ज को कहां से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, इसलिए यू आर को हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। सो डब्ल्यू आर पी वर्क डन फ्रॉम पी टू आर इज इक्वल टू यूपी से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। क्लियर है ये बात? तो क्या होगा, इस फार्मूले में रख दे रहे हैं यू आर की जगह जीरो, तो दैट विल बी डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी। मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क डन आपका क्या हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जा रहा है। तो क्या हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देंगे कि वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का क्या है कि जो हम पॉजिटिव स्मॉल क्यू को लेके आ रहे हैं कहां पर, प्लस क्यू के तरफ, तो उसको लाने में जितना हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है कि वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? आई होप दैट दैट विल बी क्लियर। मैंने इसको अपने वर्ड में लिख करके आपको समझाया है, आप इसी तरीके से समझिए। अब आगे का पोर्शन नेक्स्ट उसमें हम